क्लास 11 गणित विषय में चैप्टर नंबर 9 का आयाम अनुक्रम एवं श्रेणी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 12। एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है एवं प्रथम पी पदों का योगफल 0 है, दर्शाइए कि अगले क्यू पदों का योगफल कितना होगा। हमने हमें दे रखा पी पदों का योगफल 0, हमने लिख दिया एस पी इक्वल टू 0, प्रथम पद दे रखा हमें ए, तो हमने एस पी का सूत्र लगाया एस पी इक्वल टू पी बटे 2 ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। एस पी की जगह रख दी हमने 0, ये जुगा तू ये चले जाएगा 0 में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ बचेगा 0 दो ए और पी माइनस 1 इंटू डी, तो इस दो ए को दर्ज आई माइनस का 2 ए और यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली माइनस का 2 ए बटे पी माइनस 1। अब हमें निकालना पी प्लस क्यू पदों का योगफल, तो हमने पी प्लस क्यू पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा पी प्लस क्यू बटे 2, वही फॉर्मूला लगा एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पी प्लस क्यू रख दिया, पी प्लस क्यू बटे 2 जुगा तू 2 ए पी प्लस क्यू माइनस 1 एडिटिव डी की वैल्यू रख दी माइनस के 2 ए अपॉन पी माइनस 1, पी प्लस क्यू बटे 2 इसका एलसीएम लिया पी माइनस 1, इस पी माइनस 1 की 2 ए में इंटू पड़ती 2 ए पी माइनस 2 ए आ गया, माइनस 2 ए की माइनस के प्लस के की में करी माइनस के 2 ए पी, इसकी इसमें करी तो माइनस के 2 ए क्यू माइनस माइनस प्लस के 2 ए, 2 ए से 2 ए कट गया 2 ए पी से 2 ए पी कट गया, हमारे पास बच गया पी प्लस क्यू बटे 2 और यहाँ बच गया माइनस के 2 ए क्यू बटे पी माइनस 1, फिर हमने 2 से 2 काट दिया माइनस का ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन पी माइनस 1, ये बच गया एस पी प्लस क्यू पदों का योगफल। हमें निकालना अगले क्यू पदों का योगफल, पहले पी पद तो हमारे पास है अगले क्यू का निकालना, तो हमने क्या काम करा एस क्यू निकालने के लिए एस पी प्लस क्यू में से एस पी घटा दिया, मतलब पी प्लस क्यू पदों का योगफल में से पी पदों का योगफल घटा दिया तो क्यू पदों का योगफल बन जाएगा, तो उसके लिए अब हम इसमें माइनस कर देंगे ये आया हमारा 0 एस पी की वैल्यू और इसकी वैल्यू एस पी की है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, तो यही आंसर आपको प्रूव करना था एस क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन पी माइनस 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए, ये कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिया इससे आगे का आप करेंगे, आपके लिए छोटा रहना के एक बहुभुज के अंतःकोण समानांतर श्रेणी में है, यदि लघुत्तम कोण 120 है तथा सर्वांतर 5 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने निकाल लिया लघुत्तम मतलब सबसे छोटा कोण 120 डिग्री, सर्वांतर 5 डिग्री, माना भुजाओं की संख्या n, जितनी बहुभुज में भुजा होती है उतने ही कोण होंगे तो कोणों की संख्या भी n होगी, तो यहाँ हमने n n कोणों का जो बहुभुज है बहुभुज किस तरह का हो जिसमें बहुत सारी भुजा हो, ऐसे भी सपोज करो ऐसे 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 इस तरीके से कोई बहुभुज है, तो इस बहुभुज में ये पता नहीं है भुजाएं कितनी है, तो हमने भुजाओं की संख्या मान ली इसमें एन, तो जैसा कि एक भुजा होगी दो भुजा होगी तीन होगी एन फोर एन भुजा होगी ऐसे, तो एन भुजाओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला लगा हमने एस एन इक्वल टू एन बाई टू दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, यहाँ पे 240 आ गया 240 में 5 गए 235 प्लस के 5 एन एन बाई टू, तो हमारे हिसाब से अंतःकोणों का जो योगफल है इन कोणों का जो योगफल है अंदर का ये टोटल आ गया हमारे हिसाब से इतना समानांतर श्रेणी के हिसाब से, ज्यामिति के हिसाब से फार्मूला हो रहा है इसका अंतःकोणों का योग का फार्मूला 2n-4 × 100, तो यू भी एस एन है यू भी एस एन है, इन दोनों की वैल्यू बराबर रख देंगे आप और एन की वैल्यू निकाल लेंगे, आगे का क्वेश्चन आप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों समीकरणों को बराबर रख के एन की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट्स ऑल, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेश्चन करते रहिए आगे, ताकि आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहती है।